मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। धैसर ईस्ट के एक अपार्टमेंट से 42,38,000 रुपए का सोना लूटने वाले चोरों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के कर्मी डाकिया और फल विक्रेता बनकर नोएडा और दिल्ली में चक्कर लगाते रहे। आखिरकार हाल ही में उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस की टीम अभी भी जुटी हुई है। पुलिस के जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने अपने लिए बातचीत करने के लिए 97 अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को मिशन अलीबाबा का नाम दिया था क्योंकि आरोपियों ने ट्रू कॉलर ऐप पर अलीबाबा के रूप में अपना नाम दर्ज किया था। आरोपियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस ने लगभग 166 कैमरों के फुटेज के अलावा 97 सिम कार्ड के कॉल डेटा रिकॉर्ड की छानबीन की थी। पुलिस कर्मियों की टीम ने तकनीकी सुराग के आधार पर दोषियों की तलाश के लिए यूपी के अमरोहा और बिजनौर के चक्कर लगाए थे और आखिरकार इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 933 ग्राम सोना और 40,000 रुपए जो है वो चोरी हो चुके थे। हमारी टीम है, एसीपी पिंगले साहब है, पीआई प्रवीण पाटिल है, पीआई बांगर है और ये हमारे एपीआई मल्लार थोरात है। इनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत किया है। इसके लिए इन्होंने 167 सीसीटीवी कैमरास, डम डेटा, सीडीआर और लगभग 97 आईएमईआई नंबर, सिम नंबर इन्होंने चेक किए हैं। इसके बाद इन्होंने पाया कि 37 सिम कार्ड ये एक आरोपी के पास है और दूसरे आरोपी के पास जो है वो 60 सिम कार्ड इनको मिले। इन्होंने उनको बहुत ढूंढा, ट्रू कॉलर पे इनका आईडी आ रहा था अलीबाबा, तो इन्होंने अपने मिशन का नाम अलीबाबा रखा और उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूपी में अपना जो है तपास यंत्रणा वहां गई, फिर जाके उनको 2 आरोपी मिले हैं। इनकी जो दूसरे हमारे पीसी जाधव है इनके साथ इन्होंने फल विक्रेता का भी काम वहां पे किया और इस तहकीकात तक पहुंचे और 2 आरोपियों को इन्होंने अरेस्ट